बोकारो में छठ पर्व की तैयारी को लेकर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, बोकारो पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो और चास छठ घाटों का निरीक्षण किया। जहां जहां साफ सफाई नहीं हुई है वहां पर साफ सफाई करने का आदेश दिया गया है। बीएसएल और निगम के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ को आदेश दिया गया है कि जितनी जल्द हो साफ सफाई कराई जाए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सभी जगह साफ सफाई जल्द कराए जाने का निर्देश दिया, साथ ही सभी जगह सड़कों की भी मरम्मती की बात कही। वहीं बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक ने कहा कि सभी छठ घाटों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी, सीसीटीवी के द्वारा निगरानी की जाएगी। आगामी छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए छठ व्रतधारियों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आज जिला प्रशासन की टीम नगर क्षेत्र में, टाउन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पदाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, विधि व्यवस्था के संधारण में पुलिस अधीक्षक के साथ हम लोग सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। पूर्व में भी तैयारियों के लिए हम लोग मीटिंग की है, क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया है और दीपावली के पर्व के बाद में जो महत्वपूर्ण घाट हैं उनको सब जगह दौरा किया जा रहा है। मुख्य फोकस है कि साफ सफाई, जहाँ पर भी कुछ गंदगी है या जो पूर्व के त्यौहारों में लोगों ने मूर्तियाँ वगैरह विसर्जन की हैं उसके क्रम में किसी प्रकार से भी जल का जो प्रवाह है उसमें अवरोध ना हो, और साथ के साथ इस प्रकार से घाट की जो अपनी अपनी समितियाँ हैं जिनके द्वारा घाट का व्यवस्थाओं को जो आयोजन करने में अपना नियंत्रण रखती हैं उनके साथ भी सामंजस्य बैठा के कि किस प्रकार से वॉलंटियर्स के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से, पंडाल इत्यादि के माध्यम से वॉलंटियर्स को रखते हुए हम लोग उसको मैनेज करेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग निकले हैं, तो यहाँ का जो शहर का प्रमुख घाट है उसको हम लोग देखने के लिए आए हैं, जिसमें हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, यहाँ का संचालन करने वाली समिति हेल्पिंग हैंड्स के लोग हैं, माननीय पुलिस अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी हैं, और बाकी अन्य जगह पर भी हम लोग जाकर एक एक करके सभी स्थिति का जायजा लेंगे। जैसे गंदगी जहाँ जहाँ घाट पर है तो जो घाट की जो समिति है उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, समिति अपने स्तर से भी सफाई करती हैं, परंतु जो बड़े घाट हैं जहाँ पर संस्थागत रूप से मदद करने की आवश्यकताएँ रहती हैं तो नगर निगम क्षेत्र में जो चीज़ें हैं वहाँ पर नगर आयुक्त और उनकी टीम सभी जगह सक्रिय रहेगी। सेल एरिया में जो पड़ते हैं वहाँ पर सेल के जो संबंधित बिल्डिंग टाउनशिप डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी साथ में हैं, उनके साथ भी हम लोग जा रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इस प्रकार के बड़े जगह है वहाँ पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी के माध्यम से हम लोग चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए सभी को निर्देश दिया गया है। हम जिला प्रशासन के साथ जो है छठ घाट घाट के इंजेक्शन के लिए हम लोग आज जा रहे हैं, जिसका कि जो पर्पज़ ये है कि छठ घाट पे मतलब जो श्रद्धालु हैं उनको पूरा सुरक्षा का जो है वो इंतजाम कराया जा सके, और साथ में शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो ढंग से सुचारू रूप से चले, मतलब ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके मद्देनज़र हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और ये सुरक्षा व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं को और साथ में जो ट्रैफिक की व्यवस्था जो है समुचित तरीके से की जाए। हम लोग जो छठ के जो आयोजक समिति है हम लोग उनसे भी बात करेंगे इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो जहाँ पर काफ़ी जो भीड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर लगाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे इस चीज़ को और सुनिश्चित भी करेंगे। हेल्पिंग हैंड पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर जो है छठ घाट की साफ सफाई का काम करता है, और उसी क्रम में जो है हम लोग आज से जो है इस काम में लगे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि छठ पूजा के पहले जो है पूरा साफ़ सफाई का काम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो होती है वो 365 दिन जो है यहाँ पे टॉयलेट का जो है अरेंजमेंट कर, मतलब पब्लिक जो है वो यूज़ करती है, क्योंकि गरगा नदी के बगल में है और सरकार की तरफ से इसका कोई अरेंजमेंट हुआ नहीं है, तो वो खुले में ही शौच का काम करती है, उसका साफ़ सफाई जो है हमें करना पड़ता है, वो हमारा प्रायोरिटी रहता है कि उसमें गंद जो है वो नहीं रहे, और जो भी छठ व्रती आएँ उनको ये एरिया पूरा साफ़ मिले और ढंग से जो है वो अपना छठ का कार्यक्रम करे और हमको जो है आशीर्वाद दे, यही हम उनसे कामना करते हैं। न्यूज़ विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट।